Hello students and welcome back to Bankexamstrad.com. My name is Ramandeep Singh, and today I'm going to share the SBI CBO, Circle Based Officer, exam strategy based on the previous papers, right? So, how you should attempt the paper? See, time management is not an issue. In the MCQ paper, paper, there is an MCQ paper and then there is a descriptive paper. In the descriptive paper, time management is an issue. MCQ mein time management is not an issue, okay? दीज आर द टू थिंग्स पहली दो टिप्स हैं एंड थर्ड वन आर बी आई सर्गुलर एंड न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग इट इज अ गेम चेंजर पूरा एक गेम चेंज करके रख देता है सी दिस इज द एग्जाम पैटर्न टू स्टेजेज में है पेपर ठीक है एक साथ ही होंगे डिस्क्रिप्टिव और एम सी क्यू बेस्ड जो एम सी क्यू बेस्ड पेपर है उसमें सबसे पहले देखिए इंग्लिश लैंग्वेज बैंकिंग नॉलेज जनरल अवेयरनेस इकॉनमी कंप्यूटर एप्टीट्यूड ठीक है एक सौ बीस क्वेश्चन टू आर आर देयर एंड सेक्शनल टाइमिंग इज देयर कंप्यूटर एप्टीट्यूड ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स सी यहाँ पे लास्ट ईयर बोला कंप्यूटर एप्टीट्यूड डाला रीजनिंग एबिलिटी एग्जाम में सो रीजनिंग एबिलिटी वॉज देयर इन द कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन दैट वॉज एन इश्यू जनरल अवेयरनेस टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एन इश्यू बैंकिंग नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एन इशू एट ऑल कंप्यूटर एप्टीट्यूड टाइम मैनेजमेंट में बी एन इशू बिकॉज इट इज अ पेपर ऑफ रीजनिंग एबिलिटी

पंद्रह मिनट भी आप लगाते हो आर सीज में यूल यूल डू इट ओके क्लोज टेस्ट कैन बी इजिली डन विद इन फाइव मिनट्स एरर डिटेक्शन थ्री फोर मिनट्स राइट सेंटेंस रीअरेंजमेंट फाइव थ्री फोर मिनट्स अगेन आई वुड से ठीक है सो पैरा जम्बल्स अगेन थ्री फोर मिनट थ्री थ्री मिनट्स सो थर्टी मिनट्स में इजली यू कैन क्रैक दिस सेक्शन वेरी इजी सेक्शन इफ यू कैन रीड एंड कॉम्प्रीहेंड अ लॉन्ग पैराग्राफ देन यू कैन इजिली डू दिस ठीक है एरर डिटेक्शन इफ यू आर यू नो इफ यू आर गुड विद ग्रामर अगर आपका ग्रामर ठीक है देन दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू आपका ग्रामर अगर ऑलरेडी ठीक है यू नो द ग्रामर रूल्स देन दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू एट ऑल तो ये आपके लिए उतना डिफिकल्ट है ही नहीं आगे चलते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इसका सेक्शन का नाम है कंप्यूटर uh, एप्टीट्यूड लेकिन एग्जाम में जो डाला पूरे का पूरा रीजनिंग so confusing last year's machine input output coding in uh, coding in inequalities coding decoding puzzles it was there in the paper isko 20 minute mein karna है it may take time extra time lag sakta hai yahan pe inequalities and in coding decoding machine input output 15 questions you can do within like uh, 15 20 minutes puzzle you may not have time to do that sometimes मेरे को लगता है कि 5 मिनट में ये शायद करना थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन इजिली डूएबल लेकिन अगर आप रीजनिंग पढ़ के नहीं गए हो और एग्जाम में रीजनिंग आ गया कैसे करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट सो रीजनिंग का प्रैक्टिस करके जाओ देर इज अ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स दैट कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड का बेसिक पढ़ लो अगर टाइम है अदरवाइज जस्ट डू द रीजनिंग इन द बैंकिंग नॉलेज सी स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आरबीआई के सर्कुलर्स लास्ट ईयर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन और सर्कुलर्स जिस तरह की लैंग्वेज होती है आरबी सर्कुलर्स में कॉन्सेप्ट होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स में वर्डिंग uh, यूज करी जाती है स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत कॉमन है अगर आप आरबीए सर्कुलर पढ़ते हो मेरे से पढ़ रहे हो किसी और टीचर से पढ़ रहे हो वो पढ़ाते पढ़ाते सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करेगा और वो टर्म्स को समझ के यू कैन इजली क्रैक द पेपर ठीक है उसी में से पेपर आना है सारा ठीक है चाहे वो स्टैटिक बैंकिंग है वो सारा वहीं से आएगा वेन इट कम्स टू द लॉज यू हैव टू डू द आई बी सी बैंक कोड द सरफाइसी

And like 15 questions from uh, the news related to banking, and then 5 to 7 questions related to the laws related to banking. So, this is the the general awareness and the economy the current affairs. Let it be appointments, awards, and honors. Uh, जो लेटेस्ट uh, आपका करंट अफेयर है पिछले तीन महीने का उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अपॉइंटमेंट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स कोई पॉपुलर बुक है दो तीन क्वेश्चन उसमें से चार तीन एक दो क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट डेज हैं कुछ एक क्वेश्चन अवार्ड्स में से कोई मीटिंग हुई है कोई कॉन्फ्रेंस हुई है कोई कमेटी आई है तो आप जी के डायजेस्ट पढ़िए बैंक एग्जाम टूडे रिलीज करता है जी के डायजस्ट इसको आप पढ़िए एंड दैट इज़ सफिशेंट पूरे का पूरा सफिशियंट है इसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए इसी से ही आपका जो है एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे देन इट कम्स डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां पर टाइम मैनेजमेंट का इशू होने वाला है आपको 30 मिनट के अंदर एक लेटर लिखनी है एक ऐसे लिखना है कैसे लिखोगे दैट वुड बी डिफिकल्ट अगर आपका टाइपिंग स्पीड उस लेवल का नहीं है तो देखिए वाइल स्टार्टिंग राइटिंग एन एस एड टू प्लान फॉर इट अब बिना प्लानिंग के एक ऐसे नहीं लिख सकते ऐसे को आपने देखिए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मार्क्स हैं बट स्टिल फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स आपने ऐसे को देने हैं और टेन टू फिफ्टीन मिनट जो है आपने लेटर राइटिंग को देना ही देना है ठीक इतना टाइम आप देना है माइंड में लेकर चलिए ऐसे राइटिंग के लिए कम से कम तीन मिनट थ्री मिनट जो हैं आपने प्लानिंग करनी है पेपर स्टार्ट होते ही आपने टाइपिंग करना शुरू नहीं करना है अगर आप ऐसे करोगे तो आप कचरा कर दोगे सारा वो नहीं करना है इफ़ यू आर स्टार्टिंग टाइपिंग पहले माइंड में बना लो कि uh, मतलब uh, किसी किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है लेट्स uh, से कि आपसे पूछा जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछ लिया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया ठीक है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन योर सिटी तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स ठीक है आप इसके प्रोज एंड कॉन्स माइंड में सोच लीजिए इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है फायदे ये हैं कि ट्रैफिक कम हो जाएगा देर विल बी लेस ट्रैफिक ऑन द रोड्स ठीक है इट विल सेव मनी पब्लिक मनी राइट इट विल सेव द फ्यूल कास्ट एंड वट आर द कॉन्स इट इज़ नॉट कंफर्टेबल ऑल द टाइम्स एंड इट इज एक्सपेंसिव फॉर द गवर्नमेंट टू सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग बस स्टॉप्स बाइंग द यू नो वहीकल इफ दे आर अलाउइंग प्राइवेट प्लेयर्स It's not really comfortable because a, uh, a public transportation mode won't, uh, you know, point uh, they won't take you from your home. The pickup and drop point, there is a diff distance between, between them, okay? So, many people, most of the people in India, they are not using public transportation. Public transportation, that is why it is not common. So, you need to, if they are asking you, you need to write the pros, you need to write the cons, you need to conclude it, and you need to give your opinion. अगर ये आपने माइंड में माइंड मैप नहीं बनाया अगर आप एक माइंड मैप बना के नहीं अटेम्प्ट uh, कर रहे हैं, तो क्या होगा आप कचरा कर दोगे सारा फर्स्टली सेकेंडली थर्डली ऐसे लिखते लिखते आई मीन देर इज नो फ्लो ऑफ आइडियाज देर शुड बी अ प्रॉपर फ्लो ऑफ आइडियाज देर शुड बी प्रॉपर यू नो प्रॉपर आप वो कैब यूज कर रहे हो रिलेटेड वो कैब का मतलब ये नहीं है मग अप कर लो आप लेंदी uh, लेंदी से वर्ड्स नो रिलेटेड वर्ड्स इफ इट इज अबाउट बैंकिंग बैंकिंग के रिलेटेड वर्ड्स मॉर्गेज अगर बैंकिंग के रिलेटेड वो कैब की बात करूँ रिलेटेड वर्ड लोन ऑटो लोन uh, फिक्स डिपॉजिट इट इज ऑल दो इट इज वेरी यू नो इजी फॉर यू बट इट इज अ बैंकिंग टर्म बैंकिंग वो कैबलरी रिलेटेड अगर आप वर्कआउट्स की बात कर रहे हो जिमिंग की बात कर रहे हो वर्कआउट न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट बैलेंस्ड डाइट दीज आर द रिलेटेड कीवर्ड रो कैबलरी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड याद करो बट इट इज इंपॉर्टेंट टू यू नो यूज द रिलेटेड वर्ड्स जो भी यू नो वर्कआउट से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, banking से related, आपको पता पता होने होने चाहिए चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड अगर पॉलिटी uh, है तो उसके रिलेटेड वर्ड्स आपको पता होने चाहिए अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो रिलेटेड वर्ड्स यूज करोगे दैट वुड हेल्प यू टू ईजली कॉम्प्रीहेंड यू नो टॉपिक आप अच्छे से लिख पाओगे सपोर्ट करेगा आपके आइडियाज को रिगार्डिंग द एसे राइटिंग आई हैडी डन एन इन डेप्थ वीडियो तीस मिनट का एक लंबा वीडियो करा था मैंने पूरा बताया कि कैसे ऐसे लिखना है उसकी वीडियो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा प्लीज गो थ्रू इट एंड दैट वुड हेल्प यू फॉर श्योर वो आपको हेल्प करेगा एक बार गो थ्रू कीजिए उसको ओके एंड एस बी आई सीबीओ ट्वेंटी ट्वेंटी टू कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट सिलेबस कवरेज अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्टिव पेपर वीडियो क्लासेस नोट्स टेस्ट सीरीज सेल्फ बेस कॉस है पूरा पिछला कवरेज भी हम कर रहे हैं और पूरे आरबीआई बी सर्कुलर्स हमने कवर किए हैं बैंकिंग का न्यूज कवर किया है करंट अफेयर कवर किए हैं रीजनिंग पूरे का पूरा कवर किया है ईच एंड एवरी टॉपिक आई एम कवरिंग ऑल द डाउट लर्निंग सेशन आर देयर इन केस देर इज एनी डाउट माई नंबर इज ऑलवेज देयर यू कैन आस्क योर डाउट्स हैर आई एम ऑलवेज अवेलेबल राइट जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज आई एम गोइंग टू आंसर यू ऑल दूडेंट्स ए टुका पास्ट और ये सारे स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्सेज लिए पिछले सालों में एंड दे करेक द रिस्पेक्टिव एग्जामी ट्वेंटी ऑल दुका कॉर्सेज इन द पास्ट एंड दे क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड मैं बहुत खुश हूँ उन सबके लिए कुछ भी डाउट है आपके माइंड में नीचे कॉमेंट सेक्शन है मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप डाउट्स पूछिए अपने कुछ भी आपको समझना है आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई होप this video would help you to plan your you know exam strategy actually up exam ko attempt value so that's actually all for today students click the subscribe button and like this video that's really really important for me and that's actually all for today students thank you and have a very nice day bye bye